फाइन. सो नाउ फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. जैसे आप सब आपको पता है कि हमारा पोर्शन हो चुका है, कुछ चीजें आपको नोट करनी है. ओके, रिवीजन के लिए जो आपको इजी पड़ेगी. बिफोर आई शेयर माय पीपीटी, आपको कुछ चीजें नोट डाउन करनी है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक आदत डालेंगे जो आपको 10th में भी काम आएगी. आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैप्स बनाने हैं. ओके, अभी आप मुझे टाइप करके चैट बॉक्स में भेजिए. ओके, प्लीज सेंड योर एग्जाम टाइम टेबल टू वैशाली मैम. ओके, ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. अभी आप क्या करेंगे, आप मुझे टाइप करके पहले आपका पोर्शन भेजिए टर्म टू के लिए. आयुष एंड कादम्बरी, चैप्टर नंबर टाइप कीजिए, पूरा नाम मत टाइप कीजिए. कितने चैप्टर्स है आपके, क्योंकि 10th में आपको पूरा पोर्शन होगा. राइट, टर्म 1 टर्म टू, उस हिसाब से जस्ट राइट डाउन चैप्टर नंबर्स. फोर्टीन, आयुष 11 12 13 14, 11 12 13 14, कादंबरी 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1, 12 स्टडी ऑफ सम, 13 कार्बन एंड एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज. करेक्ट आयुष, कादंबरी फ्रॉम 11 टू फॉरवर्ड. ओके, सो पूरा का पूरा 11 ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा है कादंबरी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड, कार्बन, ओके, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, और उसके बाद ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप. राइट, करेक्ट, यस, ओके. तो अभी 11th चैप्टर पे अगर आप जाओगे, तो अभी आपने ये चैप्टर काफी दिन पहले किया था. ओके, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा उसमें से, ऑब्वियसली. बट ऑब्वियसली बात है कि हर चीज याद नहीं रहती है, कुछ कुछ चीजें याद रह जाती है. तो एग्जाम का एंड मोमेंट रिवीजन, आप हमेशा ये आदत रखोगे कि एंड मोमेंट रिवीजन पे आपको कॉन्सेप्ट मैप बनाने हैं. ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट मैप कभी बनाओगे, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट मैप तभी बनाए जाते हैं जब आपका चैप्टर एंड होता है. राइट, आप पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये वो सब पढ़ने के रहते हैं. तो अभी आप क्या करोगे, अभी से आदत लगाओ, आफ्टर एवरी चैप्टर, ओके, आपको उस चैप्टर में से क्या समझ आया उसका आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे. एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट मैप याद है क्या होता है, आयुष एंड कादम्बरी? राइट डाउन व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप. नो, अच्छा यू डोंट नो. ठीक, कॉन्सेप्ट मैप करके आई शो यू, आई शेयर माई वाइट ये. वाइट बोर्ड, इज माई वाइट बोर्ड शेयर्ड ऑन योर एंड? इज माई वाइट बोर्ड विजिबल ऑन योर एंड चिल्ड्रेन? नो, नॉट येट. ऐसा कैसा, अभी शेयर हुआ है? एक मिनट, हाँ शेयर में एंटायर. नाउ विजिबल? नाउ विजिबल चिल्ड्रन? यस, ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक आदत डालेंगे हर चैप्टर के बाद, एज अ पार्ट ऑफ रिविजन, आप इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे. कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, आपके पास चैप्टर होता है, उस चैप्टर का आप शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, उसके टॉपिक सब टॉपिक के साथ साथ जो आपको समझ आया वो आप ट्री डायग्राम के फॉर्म में बनाते हो. कैसे बनाओगे ट्री डायग्राम? अभी इसमें आप एक अलग अलग कलर्स भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 11. आपको हेडिंग देनी होती है
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, RefLeCTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सपोज ये आपने हेडिंग दे दी, अब इस टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या कवर किया, ओके okay? इस टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या कवर किया, आपने कवर किए अलग अलग टाइप के मिरर्स, मिरर के भी टाइप्स कवर किए, ठीक है, उनके यूजेस कवर किए, करेक्ट। उसमें आपने क्या क्या कवर किया था, कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो मिरर्स, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें कवर की थी, एम आई करेक्ट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमने यही कवर किया था ना, आयुष और कादम्बरी, यस। हाँ, तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, पहला एरो बनाओगे, सबसे पहले एरो बनाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक एरो बनाने के बाद आप लिखोगे मिरर, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के में आपने क्या पढ़ा है, एम आई आर ओ आर, मिरर। इसको आप बॉक्स में डालोगे अच्छे से, आप स्केल या अलग अलग शेप्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये किससे हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिरर, ठीक है। मिरर में कौन से दो तरह के मिरर मिरर देखे हमने, हमने देखे प्लेन मिरर, प्लेन, और दूसरे को दूसरा कौन सा टाइप का मिरर था आयुष, प्लेन और कौन सा मिरर था, यस, वेरी गुड, स्फेरिकल। तो यहाँ पे लिखो स्फेरिकल, SPHERICAL, ओके आयुष, ठीक है। तो ये हमने इसको बॉक्स में डाल दिया, मिरर पड़े, लेकिन कौन से दो तरह के मिरर पड़े, प्लेन पड़ा और स्फेरिकल पड़ा। इसको नीचे लाके बाइफरकेट कर दो, दो कैटेगरी में, मेरे पास अभी स्केल नहीं है, मैं डायरेक्टली इधर कैटेगरी में बाइफरकेट कर देती हूँ। इज दिस क्लियर आयुष, यस, ठीक है। इसके बाद आपके प्लेन मिरर में दो इंक्लाइन प्लेन मिरर थे, ठीक है, प्लेन मिरर की कैटेगरी में आपके पास क्या था, दो इंक्लाइन प्लेन मिरर थे, ठीक है, प्लेन मिरर पड़े थे लेकिन इंक्लाइन पड़े थे, एकदम सादा वाला मिरर पड़ा था जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन टू इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, टू इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर का चैप्टर खत्म हो जाता है, हमने प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा पढ़ा था, यस स्टूडेंट्स, हमने प्लेन मिरर के बारे में इससे ज्यादा पढ़ा था, दो प्लेन मिरर के बारे में नहीं, राइट? प्लेन मिरर यहीं पे खत्म हो गया था, मिरर डे टू डे लाइफ में यूजेस, उसके उसका व्यू वगैरह एक्सेट्रा यहाँ पे हो गया था। हमने सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने दो कैटेगरी पढ़े थे, राइट, इसमें हमने पढ़े थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, डू यू एग्री विथ मी बोथ ऑफ यू, हमने पढ़े थे कॉनकेव कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, CONVEX। अभी आपको वर्ड्स याद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहिए तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं आपके लिए, खुद के लिए। तो मैंने अगर यहाँ पे कॉनकेव के लिए ना ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ करके याद रखने के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए ऐसा वाला डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज गुड बोथ ऑफ यू, यस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, गुड, याद रहेगा, आधा चैप्टर आपका यहीं पे कवर हो गया। इसके बाद चिल्ड्रन आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स में हमने क्या पढ़ा, अभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे शेप डाली है इसका मतलब ये क्या है, कॉनकेव मिरर जो है वो है कन्वर्जिंग, वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, बराबर, एक फोकस के पास कन्वर्ज करता है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कन्वर्जिंग, ओके, CONVERGING,
जी कन्वर्जिंग और यहाँ पे डाइवर्जिंग, डी आई वी ई आर जी आई एन जी, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। आ गया दोनों भी इजी टू अंडरस्टैंड, अभी आपको हिंट मिल गया। इसके बाद आप क्या करोगे, कन्वर्जिंग में हमने क्या क्या यूजेस पढ़े थे? कन्वर्जिंग में हमने पढ़ा था पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बेस पे आपका मिरर कहाँ कहाँ प्लेस होगा तो किस तरह की इमेजेस बनेगी, करेक्ट? डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन, बोथ ऑफ यू? ठीक है, अगर एट इंफिनिटी होगा तो आपकी इमेज फोकस पे बनेगी, अगर आपका एट फोकस होगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ठीक है? बिटवीन फोकस और सी के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, राइट? बियॉन्ड सी अगर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसकी इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, ये सारा पढ़ा था ना, ये इसमें डाल सकते हो आप एक एक करके, 1 2 3 4 कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, ठीक है? इसके बाद आप कॉन्वेक्स के लिए भी सेम डाल सकते हो जो आपने कॉनकेव के लिए डाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहेगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स में आप कहीं पे भी इमेज को प्लेस करो या आप कभी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, ठीक है, उसकी इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। हम लोग लेंसेस की बात नहीं कर रहे, हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये समझा दोनों को? यहाँ पे आप इमेजेस भी डाल सकते हैं दोनों जगह पे, यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, तो आपका 3/4 चैप्टर यहीं पे कवर हो जाता है। डू यू अग्री विथ मी बोथ ऑफ यू, कादम्बरी एंड आयुष? समझा, इजी हो गया, इतना ध्यान रहेगा, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे यूजेस भी डाल सकते हो, कॉनकेव मिरर के यूजेस, और यहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर के भी यूजेस डाल सकते हो, करेक्ट? तो आप यहाँ पे कॉनकेव के यूजेस डालो, कॉन्वेक्स के यूजेस डालो। कॉनकेव कहाँ पे यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, फिर फ्लड लाइट में यूज होता है, प्रोजेक्टर लैम्प के लिए यूज होता है, सोलर डिवाइसेस के लिए यूज होता है, शेविंग के लिए यूज होता है, करेक्ट? कॉन्वेक्स कहाँ पे यूज होता है, कार में यूज होता है, बड़ी स्क्रीन मिरर शॉप्स वहां पे यूज होता है, ठीक है? तो इस तरह से इसके यूजेस होते हैं। आपको ये चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर आपको थोरली याद हो जाएगा। अगर एग्जाम के टाइम पे आप कुछ नहीं पढ़ पाओ, ठीक है, कोई भी चीज वजह से आपकी कोई भी चीज मिस होती है या पूरे चैप्टर में से कोई टॉपिक मिस होता है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट मैप को रिफर कर सकते हो। इसको आप माइंड मैप भी बोल सकते हो क्योंकि इसको मेमोराइज करने में इजी पड़ता है, या आप इसको कॉन्सेप्ट मैप भी बोल सकते हो। गॉट इट कादम्बरी, गॉट इट आयुष? इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट मैप। इसकी आदत लग गई तो आपका ऑलमोस्ट कहते हैं ना 50% से भी ज्यादा रिविजन हो गया। अब आप सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स डालने से अच्छा आप मिरर का डेफिनेशन डाल दो चाहिए तो, ठीक है? तो अब मिरर लिखने के बाद नीचे डेफिनेशन, वन लाइन डेफिनेशन डाल सकते हो, प्लेन मिरर का डेफिनेशन डाल सकते हो, स्फेरिकल मिरर का वन लाइन डेफिनेशन डाल सकते हो, तो आपको रिफर करने के लिए इजी पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कॉनकेव का देखो वर्ड में डेफिनेशन डाल दिया, ये कन्वर्ज करता है इमेज को, कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है इमेज। इज दिस क्लियर बोथ ऑफ यू? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट मैप, इसको कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं, ट्री डायग्राम बोलते हैं, ट्री डायग्राम इज नॉट करेक्ट वर्ड, उसको माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं। अब इमेज डालोगे यहाँ पे तो माइंड मैप बन जाएगा, और ये आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखता है इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? यस चिल्ड्रन, ओके। तो आपका इसमें पूरा चैप्टर आ जाता है, क्या क्या पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा। हाँ, एक बार आपको चैप्टर के गो थ्रू तो करना ही है, एक बार आपको अलग अलग डाइजेस्ट या फिर आंसर कीज वगैरह वो तो रिफर करनी ही है, ठीक है? बट आपको एंड मोमेंट रिविजन के लिए ये इजी पड़ेगा, आपको इतना हैवी टेक्स्ट बुक कैरी करने की जरूरत नहीं। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? यस, इजी। तो आप, ये तो था आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, 11th वाला चैप्टर। अब हम 12th वाले चैप्टर पे जाके देखते हैं। तो 12th वाले चैप्टर का नाम क्या है, साउंड, एम आई करेक्ट? ठीक
ठीक है। अपने हमने ये साउंड कितने सालों पहले पढ़ा था, कितने सालों पहले पढ़ा था, कितने सालों पहले पढ़ा था। यस, एक साल पहले पढ़ा था, कादम्बरी भी बोल रही है। एक साल हो गया पढ़ के। वेल, स्टडी ऑफ साउंड। ओके, स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, मैं अपने एग्जाम में ये सबसे बेस्ट मेथड यूज करती थी। ओके, ठीक है। स्टडी ऑफ साउंड में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हो वो लिखोगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपने पढ़े थे वेव्स के बारे में, एम आई करेक्ट कादम्बरी, वेव्स, साउंड वेव्स। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पढ़ा था, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था ना, फ्रीक्वेंसी और इनटू वेवलेंथ, डब्ल्यू ए वी ई एल ई एन जी टी एच, वेवलेंथ, ये पढ़ा था। ओके, आप इसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो इसका, दैट इज फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे लिखी जाती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा, है ना, ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हो। इसके बाद आपने एको पढ़ा था, एक नया टर्म आया था एको, करेक्ट। इसको आप डब्बे के अंदर डालो, ये तीन चीजें आपने पढ़ी थी, करेक्ट। अब इसमें आपने डेप्थ में क्या पढ़ा था, इन डेप्थ में इनके बारे में क्या पढ़ा था, वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपना बन गया फर्स्ट ट्री डायग्राम, यहाँ से वेव्स, सेकेंड फ्रिक्वेंसी एंड थर्ड एको। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, इजी। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब ये जो वेव्स है वो क्या होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से वेव्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हो, आप कलर भी ये कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप एकदम कलरफुल ना बनाओ, जो आपको समझ में आए उतना ही कलरफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी वाइब्रेशन। जब साउंड मेरा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो वेव्स बनेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वाइब्रेशन, बी आई बी आर ए टी आई ओ एन। ओके, इसके बाद अगर जब साउंड की स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे तब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, करेक्ट। यहाँ पे आएगा स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड को हम वी भी बोलते हैं, स्मॉल वी, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब साउंड वाइब्रेट होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, जब साउंड की स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करेंगे हम, और जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होगा तभी एफ इको प्लेस होगा, राइट। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, रिफ्लेक्शन। आयुष कादंबरी समझ आ रहा है, यस, ओके। एको में हमने एक और पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था जब साउंड रिपीट होता है, राइट। जब साउंड अपने आप में रिपीट होता है तो रिवर्बरेशन प्रोसेस करता है, ओके। रिवर्बरेशन की स्पेलिंग चेक कर लो, आर ई वी आर, रिवर्बरेशन, बी आर ई टी आई ओ एन, रिवर्बरेशन में बार बार रिपीट होने वाला एकोएस्टिक साउंड। तो आप यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट में डाल सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को सिर्फ एको बोलते हैं, और जब वो ही रिफ्लेक्टेड साउंड रिपीट होता है तो उसको हम रिवर्बरेशन होता है बोलते हैं, आर ई पी ई ए टी, रिपीट। ओके, ये हो गया इतना क्लियर, ऑल राइट। इसमें आप एक दो चीजें और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट हमने पढ़ा था रिवर्बरेशन का, पूरा जंबल कर देता है इंसान को, कंफ्यूज कर देता है, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें ऐड कर सकते हो, एक तो ऐड कर सकते हो इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रिवर्बरेशन, ये पढ़ा था हमने, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। हम कर्टन्स वर्टन्स डालते हैं ना थिएटर में, हाउ टू रिड्यूस,
रिड्यूस, आर ई डी यू सी ई, रिड्यूस, ठीक है। इसमें जम्बल्ड और प्रोलॉन्ग साउंड आएगा, जम्बल्ड जम्बल्ड और प्रोलॉन्ग साउंड साउंड, ठीक है। ये इसका इफेक्ट है रिवर्बरेशन का। यहाँ पे अगर आप आओगे, रिड्यूस कैसे होगा, यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट, यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ओके। जितना क्लियर है सभी को, क्लियर है यहां तक? ये तो इको, रिवर्बरेशन, इसका इफेक्ट और रिडक्शन हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये कभी होती है इसका स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी इन गैसियस मीडियम डिपेंड करती है, राइट? हमने गैस के बारे में पढ़ा था ना, गैसियस मीडियम में क्या स्पीड होगी उसके बारे में पढ़ा था। मैं करेक्ट करेक्ट और रॉन्ग? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी इन गैसियस मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था टेम्परेचर, उसके बारे में हम पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, मोलिकुलर वेट, करेक्ट? एम आई करेक्ट बोथ ऑफ यू? उसके बाद हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ साउंड, खगोलता इसकी, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़े थे। आप चाहिए तो यहाँ पे टेम्परेचर का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। नीचे टेम्परेचर का, दैट इज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट विल बी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और डेंसिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सी। ये आप फॉर्मूलाज भी लिख सकते हो, ठीक है। वेव्स में क्या कि देखा था हमने, हमने दो तरह के वेव्स देखे थे। कौन से दो तरह के वेव्स देखे थे इसमें? दोनों में से कोई बता सकता है कौन से वेव्स देखे थे हमने? एक ट्रांसवर्स देखे थे, राइट? एम आई करेक्ट? और दूसरा था, देखा था लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, करेक्ट? यस। तो आप यहाँ पे दोनों के मीनिंग लिख सकते हो। ट्रांसवर्स को पूरा पूरा लिखना अपना, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा था। ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने ज्यादा नहीं बात की थी, हमने सबसे ज्यादा बात की थी वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। यहाँ पे ये मीडियम के प्रेजेंट में, कोई भी मीडियम, ठीक है, ये ट्रेवल करते हैं। मीडियम प्रेजेंट होगा तो ये, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। एम आई करेक्ट? यस आयुष, ये पढ़े थे। आप इसके नीचे आप डाल सकते हो कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में एक और ऑडिबल और ये वाले साउंड पढ़े थे, राइट? ऑडिबल साउंड, इंफ्रा साउंड, अल्ट्रासाउंड, तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दैट इज ऑडिबल, फिर इंफ्रा, ठीक है, ऑडियो, सॉरी, ऑडिबल बीच में आएगा, पहले आएगा इंफ्रा, कम वाला साउंड, ठीक है, इंफ्रा, इंफ्रा, ऑडिबल एंड अल्ट्रा, ठीक है। ये तीन तरह के साउंड हमने पढ़े थे। कोई बता सकता है ऑडिबल साउंड की रेंज और इंफ्रा साउंड की रेंज और अल्ट्रासाउंड की रेंज? पहले आप ऑडिबल की बताओ। ऑडिबल साउंड की रेंज कितनी है? ये कैटेगराइज हो गए तीनों में, ये कैटेगराइज हो गए तीनों में, ओके। ऑडिबल साउंड की रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, एम आई करेक्ट? यस, वेरी गुड आयुष, 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रा साउंड की रेंज बताइए, इससे कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी, तो वी कैन से लेस देन 20 हर्ट्ज। जो लेस देन 20 हर्ट्ज होगी वो इंफ्रा में आएगी, और जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज रहेगी, ये जो अपर लिमिट इंफ्रा में जाएगी और
लोअर लिमिट जो है 20,000 हर्ट्ज से कम रहेगी, वो अल्ट्रा में जाएगी. एम आई क्लियर? यस, वेरी गुड वेरी गुड कादम्बरी एंड आयुष. सो दिस माइंड मैप इज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, बोथ ऑफ यू? ठीक है, ये 20,000 हर्ट्ज से कम होगी, तो आप ये रेंज याद रख रख लीजिए, बाकी की रेंज आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी. एम आई करेक्ट? ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से कम वाली जो रहेगी वो रहेगी इंफ्रा, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली रहेगी वो रहेगी अल्ट्रा. 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज वो आपको सुनाई देने वाली है, वो आपकी ऑडिबल है. ठीक है, ऑल राइट. क्या मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ कॉन्सेप्ट मैप बनाने का दोनों को? आज होमवर्क दे दूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट मैप बनाने का, फिर कल से हम थोड़ा बीच बीच का ये चैप्टर देखते हैं. यस ओके. तो अभी आप क्या करोगे, दो कॉन्सेप्ट मैप ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के 13 चैप्टर नंबर क्या है इधर, हाँ 13, 14 और 18 चैप्टर, इसका आप कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे बोथ ऑफ यू. नेक्स्ट सेशन में आप कॉन्सेप्ट मैप लेके आओगे, आज ही बनाना है कॉन्सेप्ट मैप, बनाओगे? ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट मैप बनाना जान मतलब आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट मैप क्विक बने, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ. टेक्स्ट बुक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो देखो, चैप्टर के पूरे डेफिनेशन मत देखो, चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मत देखो, एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक होता है ना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो देख लो. ठीक है, ये चैप्टर में अगर आप जाओगे स्टडी ऑफ साउंड में, तो उसको टर्न करते वक्त आपको पता है छोटे छोटे सब टॉपिक्स आते हैं वो देख लो, उससे ये कॉन्सेप्ट मैप बनाओ. बना पाओगे चिल्ड्रन बोथ ऑफ यू? कादम्बरी आयुष, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तो क्या मैं आपसे कॉन्सेप्ट मैप एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? ठीक है, चलो. फॉर टुडे कैन बी एंड हियर, 30 मिनट्स का सेशन हमने ले लिया आज के लिए, फॉर टुडे ओनली. नेक्स्ट सेशन थोड़ा लंबा लेंगे. आप कॉन्सेप्ट मैप रेडी रखना, तो हम सेशन भी कंटिन्यू करेंगे, चलेगा बोथ ऑफ यू? यस इज इट ओके चिल्ड्रन बोथ ऑफ यू? ओके चलो, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. एक मिनट, हम स्टॉप हियर फॉर टुडे. कोई भी क्वेरी होती है आप दोनों मुझे पूछेंगे, ठीक है? आप मुझे कोई भी क्वेरी पूछिए, आप परमिशन आप लिख के रखिए, और नेक्स्ट सेशन में मुझे आप बता दीजिए चैट बॉक्स के थ्रू, डोंट वरी. चलो बाय बोथ ऑफ यू, आयुष एंड कादम्बरी, टेक केयर, गुड नाइट.